गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी मिस्टेक के बारे में, या आप उसको एक हैबिट भी बोल सकते हैं, एक ऐसी बैड हैबिट। अगर वो बैड हैबिट आपको है तो आपकी फोटोग्राफी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, या आपकी जो ग्रोथ नहीं हो रही है उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है जो ये बैड हैबिट है जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप भी चिम्पिंग गाइस एक बैड हैबिट, एक ऐसी बैड हैबिट है, तो अगर आप फोटोग्राफर हैं और आप इस बैड हैबिट को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आपकी फोटोग्राफी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगी। तो ये चिम्पिंग हैबिट क्या होती है ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और इस हैबिट से आपको किस तरीके से ओवरकम करना है मैं ये भी आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, हम बात कर रहे थे चिम्पिंग। ये चिम्पिंग क्या होता है? सो बेसिकली आपने बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स देखे होंगे, आई एम वन ऑफ देम। जब मैंने स्टार्टिंग में फोटोग्राफी स्टार्ट करी, मैं भी अपने आप को एक्सक्लूड नहीं करूँगा, मैं उनमें इंक्लूड ही करूँगा कि हम जब भी फोटोग्राफ क्लिक करने जाते हैं बाहर, ठीक है, तो हमने एक फोटोग्राफ क्लिक करी, देखते हैं कैसी फोटोग्राफ आई है, और उस फोटोग्राफ को देखने में हम 5 से 10 मिनट या 15 मिनट लगा देते हैं। गाइस, फिर हम थोड़ा सा आगे गए, फिर हमने फोटोग्राफ क्लिक करी और फिर हम अपने स्क्रीन में उसको देखने लगे और फिर हमने 10-15 मिनट यहाँ वेस्ट कर दिए। तो ये जो बैड हैबिट है बार बार अपने स्क्रीन को देखना, अपने कैमरे की स्क्रीन को बार बार देखना, कंटिन्यूसली देखना, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, इस हैबिट को ही हम चिम्पिंग एक हैबिट बोलते हैं। एक ऐसी बैड हैबिट जो आपकी फोटोग्राफी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा रोक रही है। सो गाइस, ये हैबिट अगर आप में है तो मैं आई एम डैम श्योर आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है, ये हैबिट आपकी एक ऐसी हैबिट बन जाएगी जिसको आप छोड़ भी नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको मतलब एकदम क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार कैसा शॉट आया है, क्या फोटोग्राफ आई है, और ये हैबिट आपकी फोटोग्राफी जो आपके करियर और ग्रोथ को है वो डाउन में ले जाएगी। सो गाइस, जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप अपना शूट करने गए हैं कहीं पे भी, आप स्ट्रीट शूट कर रहे हैं, जैसे आई एम स्ट्रीट फोटोग्राफर तो मैं उसी से आपको कोरिलेट करके बताता हूँ। तो आप बाहर स्ट्रीट पे शूट कर रहे हैं, आपने एक फोटोग्राफ क्लिक करी, आप देखने लगे, ठीक है, तो आप जब अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं तो आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं वहाँ के एनवायरनमेंट से, ठीक है। सबसे पहला आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लूज़ हो जा रहा है, आप पूरी फोकसिंग के साथ या मैं बोलूँगा कि पूरी प्रेजेंस के साथ उस एनवायरनमेंट में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि आप बार बार अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हो। आप चले, आप कनेक्ट हुए, आप चीज़ें समझ रहे हो, और बार बार आप जब अपनी स्क्रीन में देख रहे हो तो आप एक डिजिटली उसमें खो जा रहे हो, अपनी फोटोग्राफ में खो जा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है जब भी आप अपनी बार बार कैमरे की स्क्रीन में देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? ये डिसएडवांटेज बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जब भी हम बार बार अपनी लगातार अपनी कैमरे की स्क्रीन में देखते हैं, जब भी फोटोग्राफ क्लिक करी हम बार बार स्क्रीन में देख रहे हैं, तो होता क्या है कि हमने कोई अच्छा मूवमेंट क्लिक कर लिया या हमसे कुछ मूवमेंट मिस भी हो गया और हमने मतलब शटर उससे 1 सेकंड पहले या बाद में हमने प्रेस किया, ठीक है, तो हम बार बार देख रहे हैं उस फोटो को, तो हो क्या रहा है कि उस मूवमेंट के लिए, ठीक है, जो आप देख रहे हो स्क्रीन में, आपके आसपास इतनी सारी कमाल की मूवमेंट हो रही है जो आप मिस कर दे रहे हो। आप मूवमेंट मिस कर रहे हो बार बार अपनी कैमरे स्क्रीन में देख देख के, ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, ठीक है। आप ना जाने उससे कितनी गुना अच्छी मूवमेंट, उससे कितने अच्छा जो एक्सप्रेशन, इमोशन या कुछ भी हो सकता है वो आपने मिस कर दिया जस्ट बिकॉज आपको बार बार अपनी कैमरे स्क्रीन में देखना है, आपको क्यूरियोसिटी है कि यार मेरे पास क्या फोटोग्राफ आई है। गाइस, ये जो हैबिट है, ये जो चिम्पिंग हैबिट है, ये बहुत गंदी हैबिट है। ये दो सबसे बड़े डिसएडवांटेज हैं अगर आप अभी भी इस तरीके की हैबिट को कंटिन्यू कर रहे हो। अब बात आ जाती है कि हम किस तरीके से इससे ओवरकम कर सकते हैं। अगर गाइस देखिए, दो तरीके के फोटोग्राफर यहाँ पे होंगे, पहले जो ये चीज़ नहीं करते होंगे तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे हैं, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। दूसरे फोटोग्राफर जिनको ये आदत होगी, और मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोग्राफर जो भी डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं, मतलब मैक्सिमम
एक्सेप्शन केस आर ऑलवेज देयर, बट स्टिल मैक्सिमम केसेस में लोगों को आदत होती है, जो भी बिगिनर फोटोग्राफर्स होते हैं उनको तो डेफिनेटली होती है। सो आप इससे कैसे ओवरकम करेंगे, तो इसके भी आपके दो चीज हो सकती हैं। सबसे पहला, ठीक है, आप अपनी जो स्क्रीन है उसको ढक लीजिए किसी भी पेपर से, किसी भी ब्लैक, कुछ भी उस पर ब्लैक लगा दीजिए, कपड़ा लगा दीजिए, वाइट, मैं बोलूँगा कि आप वाइट कट पेपर करके उस पर लगा दीजिए कि मैं नहीं देखूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका मन तो करेगा बार बार देखने का कि क्या शॉट आया है, ठीक है। आप खुद सोचिए यार, जब पहले टाइम में जब रोल्स हुआ करते थे, फिल्म हुआ करती थी, महीने लग जाते थे उन्हें उनको प्रोसेस कराने में, उनको देखने में इमेजेस में, कितना पेशेंस हुआ करता था फोटोग्राफर्स में। बट आफ्टर डिजिटल एरा सब कुछ डिजिटली चेंज हो गया, लेकिन स्टिल अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गाइस जो दूसरा सॉल्यूशन है वो ये है कि बहुत सारे कैमरों में क्या होता है, फ्लिप स्क्रीन होती है जिसमें आप अपनी स्क्रीन को बंद कर सकते हैं। तो आप ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं अगर आपका कैमरा रिलायबल है अपनी फ्लिप स्क्रीन के लिए, अगर आपके कैमरे में फ्लिप स्क्रीन है। गाइस जैसे कि मेरी फूजी फिल्म का जो कैमरा है उसके अंदर फ्लिप स्क्रीन नहीं है, बट मेरे नायकॉन कैमरे में थी जिससे मैंने स्टार्टिंग करी, ठीक है। बट स्टिल मैं बोलूंगा कि आपको तीसरा जो सॉल्यूशन है वो मैं ये बोलूंगा, अगर आपकी फ्लिप स्क्रीन भी नहीं है तो अपनी विल पावर को स्ट्रांग कीजिए, ठीक है। आपकी विल पावर कितनी, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है, आपके डिसीजन जितने ज़्यादा स्ट्रांग होगी, यार मैं नहीं देखूंगा, मुझे सिर्फ अपने, यार होता क्या है कि जब हम इस तरीके की हैबिट करते हैं ना, तो हमारा रिजल्ट के साथ हमारी अटैचमेंट जुड़ जाती है एज कंपेरिजन टू द प्रोसेस। आपको फिर प्रोसेस पसंद नहीं है, आपको रिजल्ट पसंद है कि हाँ यार क्या फोटोग्राफ आ रहा है, आपको वो पसंद है, आपको वो प्रोसेस पसंद नहीं है वहाँ पे घूमना, ऑब्जर्व करना, चीज़ों को देखना, आपको आप उन मूवमेंट को इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप प्रोसेस के साथ जुड़ गए हो। गाइज आप उन मूवमेंट्स को इन्जॉय नहीं कर रहे, बल्कि आप एक रिजल्ट के साथ आपकी अटैचमेंट हो गई है कि क्या मेरी क्या फोटोग्राफ आई है। सो आई होप गाइज अगर आपने इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देखा है तो अब आप समझ गए होंगे कि आप किस तरीके के फोटोग्राफर हैं, या आपको इस तरीके की हैबिट है या नहीं है। अगर है तो आपको मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया, आप ओवरकम कर सकते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। सो गाइज अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसे लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी इस तरीके की बैड हैबिट है, या आपने नोटिस किया है कि वो इस तरीके की हैबिट करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूंगा इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लवली सपोर्ट।